नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा चैनल एमपी ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने जा रहे हैं हम मैथ 150 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों बताने जा रहे हैं, जिसमें से आपको बोर्ड इसी में से पूछेगा दोस्तों, ठीक है ना। क्लास 12 के लिए दोस्तों इस चैनल पे क्या क्या होता है थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाहते हैं। दोस्तों इस चैनल पे 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में भी दोस्तों चल रहा है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन चल रहा है 100, और 150 तो चल रहा है दोस्तों मैथ में चल रहा है। लॉन्ग टाइप भी दोस्तों बता रहे हैं इस चैनल पे, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव का दोस्तों मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपको चाहिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको कहते हैं यही कि आप यदि नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यहां पर क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, 43 और 42 तक दोस्तों बता दिए हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आई बटन में दिया गया लिंक, आप वहां जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 43 दोस्तों क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इतना दिया गया दोस्तों, इतना का इसका आंसर बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहना चाहते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2010 में पूछा गया दोस्तों, बिहार बोर्ड 2010 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब बोर्ड कोई भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन जो है सब एक ही होता है, हम कोई भी बोर्ड रहे हिंदी मीडियम के लिए सब एक ही है, ठीक है, इंटीग्रेशन सभी पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन करें जो आएगा दोस्तों, सबसे पहले आप देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। 100% आपके दिमाग में हम ठोक देंगे दोस्तों, 100% गारंटी देते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए जरा सा इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स क्यूब अपॉन 1 + x^8 क्या है, 8 है, 8 को हम लोग लिखेंगे कैसे दोस्तों, देखिए जरा सा क्या करेंगे, x^4 का होल स्क्वायर कर देंगे dx, हो गया 4 × 2 = 8 दोस्तों। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x^4 को लेट कर लेंगे z, आपका मन है तो टीवी लेट कर सकते कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dz/dx दोस्तों, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला होता है dx^n/dx का होता है nx n-1, मतलब हमेशा एक घटता डिफरेंशिएशन, इसलिए चार चार वाला बड़ा वाला लेट करेंगे हमेशा, छोटा वाला लेट नहीं करते, बड़ा वाला। आप कह सकते सर एक्स क्यू काहे लेट किए, सर नहीं एक्स क्यू करते लेट तो x² इसका आंसर आता है, ठीक है ना। x^4 लेट किए एक्स क्यू आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे वाला लेट करने पर दोस्तों क्या हो जाएगा, एन एन की जगह पर क्या है 4 है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स है, एक्स हो गया n-1, मतलब 4 - क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और dz/ हो गया दोस्तों dx हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते dx इधर कर दी dz इधर हो जाएगा, dz यही था। और यहां देखिए 4 है, 4 इधर ले आइए x, और 4 में से गया तो 3। अब आइए दोस्तों यहां पे जरा सा फ्रॉम i दोस्तों क्या हो जाएगा यहां पे, x³ / x^4 को लिख सकते हैं हम लोग, z लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, z और का स्क्वायर हो गया। dx को हम लोग क्या लिखेंगे, dx को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों dz/4 x³ कट गया, ठीक है दोस्तों। यहां क्या है 4 × 1/4 क्या हो गया, बाहर आ गया। अब देखिए 1 + z² dz दोस्तों बता देते हैं आपको, एक फॉर्मूला होता है 1/1 + x² dx का होता है, tan इनवर्स x होता है दोस्तों प्लस c, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा tan इनवर्स, वहां x था, यहां पर क्या है बताइए, यहां z है तो z हो जाएगा प्लस c, 1/4 tan इनवर्स, और z को हम लोग क्या लिखेंगे, x^4 लिख सकते हैं दोस्तों, x^4 प्लस सी, यही हो गया दोस्तों आंसर हो गया आपका, ठीक है ना, यही हो गया दोस्तों आंसर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 100% समझ में आ गया, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों यही कहेंगे मेहनत आप लगातार करते रहिए, ठीक है ना, मेहनत को आप आदत बना लीजिए दोस्तों, सफलता तो मिल ही जाएगा, ठीक है। कहते हैं दोस्तों कि अगर मेहनत आदत बन जाए कामयाबी मुकद्दर बन जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, इसलिए मेहनत लगातार कीजिए।
दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, इसको बनाना है दोस्तों, ये पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, बहुत आसान है, देखिए जरा सा बता रहे हैं आपको। इसको बनाने का जो तरीका है दोस्तों, ये इंटीग्रेशन, और यहां देखिए जरा सा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ता है दोस्तों, क्या करेंगे, यहाँ प्लस टू है ना, हम लोग ऐसा करते हैं 4 कर देते हैं, माइनस 2 घटा देते हैं, 4 में से 2 जाएगा, फिर तो 2 ही आएगा ना दोस्तों। अब y x प्लस 4, ये हो गया dx। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस 4, अब y x प्लस 4, ये हो गया dx, फिर माइनस, यहाँ 2 है तो 2, अब y x प्लस 4, हो जाएगा dx, x प्लस 4, x प्लस 4 कट जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 2 है तो बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4, ये हो जाएगा डी एक्स। दोस्तों डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, यहाँ 2, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, 1 बाय एक्स का लॉग एक्स होता है दोस्तों, क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स मतलब क्या, यहाँ एक्स जगह पर क्या, एक्स प्लस 4 है दोस्तों, और प्लस क्या हो जाएगा, सी, यही हो गया दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों 45 नंबर देखेंगे दोस्तों, दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, x के लिए हल करें दोस्तों, ठीक है ना, मतलब x का मान निकालना दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, 100% आपके दिमाग में घुसा देंगे, ठीक है ना दोस्तों, बस यही कहेंगे, आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर होता है दोस्तों, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x जगह पर हो जाएगा दोस्तों अल्फा, cos इनवर्स 1 - बीटा स्क्वायर 1 + बीटा स्क्वायर, तो यहाँ x था दोस्तों, यहाँ पर x आया, यहाँ बीटा आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा आ जाएगा दोस्तों, ठीक, फॉर्मूला सिर्फ लिख दिए, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स x, देखिए दोस्तों 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पर, देखिए tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, 2 क्या हो गया दोस्तों, कट गया, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा होता है बाय 1 - अल्फा इंटू बीटा होता है, बता देते हैं, लिख देते हैं आपको, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है दोस्तों, या tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस y या बाय 1 - एक्स वाई, तो x जगह पर अल्फा है, y जगह पर बीटा है दोस्तों, इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, tan इनवर्स कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो x बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब बाय 1 - अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं दोस्तों। यदि आपका ख्वाब ज्यादा है तो दोस्तों आपका इम्तिहान भी अच्छा होगा दोस्तों, जबरदस्त होगा, आप अच्छा से एग्जाम दे के आइएगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों अपने इरादा को पक्का रखो, और अपने सोच को हमेशा सकारात्मक सोच रखो दोस्तों, किसी काम को करने के लिए दोस्तों पॉजिटिव माइंड की बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम में तो क्या है, कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे आप तैयारी करते आ रहे हो वैसे तैयारी करते रहो, स्ट्रेटजी बनाओ, चिंता नहीं चिंतन करना है दोस्तों, कार्य करना है कार्य, सोचने से कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, काम करो, सोचो क्या करना चाहिए, तुरंत सोचेंगे बैठ जाएंगे करने के लिए दोस्तों। दोस्तों सफलता ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है, तब आपको सफलता मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 हो गया, 46 हम देखेंगे, दोस्तों 46 देखेंगे, ठीक है दोस्तों 46 100% समझ में आएगा दोस्तों, क्या है 46 नंबर, आई इक्वल टू इतना दिया गया 2012 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों बता रहे हैं, आई इक्वल टू लिखेंगे हम लोग क्या, एक्स, ठीक है ना,
ई टू दी पावर एक्स को इधर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन अपने मन से एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, क्योंकि नीचे एक्स प्लस वन इसलिए हम क्या किए, एक जोड़ दिए और एक घटा दिए, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से कर दिए दोस्तों। अब क्या हो जाएगा देखिए, जरा से हम बता रहे हैं, ई टू दी पावर एक्स अलग अलग कर लेते हैं, एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को अलग कर लिए दोस्तों, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर को अलग कर दिए दोस्तों, मतलब ये अलग कर दिए इसके साथ में और फिर इसको अलग कर दिए, ठीक है ना। एक एक क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, एक एक कट गया, बचा क्या देखिए, ई टू दी पावर एक्स वन बाय एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का क्या है होल स्क्वायर, ये हुआ डी एक्स हो गया दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, बता रहे हैं आपको हम, एक फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स, यदि हम इसको लेट करेंगे दोस्तों, एफ एक्स को लेट करेंगे और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यदि एफ डैश एक्स आ जाए तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों डायरेक्ट, जिसको लेट किए वही आंसर हो जाता है ई टू दी पावर एक्स, और जिसको लेट किए तो वही हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों, यदि हम इसको लेट करेंगे ना, वन बाय एक्स प्लस वन को लेट करेंगे दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आ जाएगा आपको, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको लेट कर लेंगे। एफ एक्स को लेट करेंगे, एफ एक्स, एफ एक्स पहले है ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन। जब इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा दोस्तों, इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, इसका कीजिएगा डिफरेंशिएशन, अवकलन कीजिएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप इसको लेट किया और इसका डिफरेंशिएशन किए तो इसका वाला जो क्या आ गया, ये वाला आ गया, इसके बगल वाला आ गया दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स जगह पर क्या है बताइए, वन बाय क्या है एक्स प्लस वन है, अब प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ई टू दी पावर एक्स बाय एक्स प्लस वन अब प्लस सी, यही हो गया दोस्तों आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 47 नंबर देखेंगे, ठीक है, 47। दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है दोस्तों, ठीक है ना। ए और बी दिया गया है, ए बी कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, ए बी कह रहा है निकालने के लिए दोस्तों, 2019 में पूछा गया दोस्तों, ठीक है, 2019 में दोस्तों क्या करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, सोल्यूशन यहां लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं सोल्यूशन। ए का मान जो है वो रख देंगे 0 1 2 1 2 3 2 3 4 रख दिए, और b कितना है देखिए, b है आपका दोस्तों 1 माइनस 1 ये 2, फिर माइनस 2 0 ये माइनस 1 है दोस्तों। कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से, यहाँ इंटू होता है दोस्तों, किस प्रकार से हम इसको गुना करेंगे, देखिए ये रॉ है दोस्तों, ये कॉलम है, ऐसे गुना होता है, इसको रॉ बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। 0 को 1 से करेंगे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 1 को माइनस 1 से करेंगे दोस्तों माइनस 1 हो जाएगा, 2 को करेंगे 2 से तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, पहले वाले की पहले से दूसरे वाले दूसरे से तीसरे वाले को तीसरे से, फिर ये रो आइए कॉलम। 0 करेंगे माइनस 2 से 200 0 ही हो जाएगा, 1 को करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों, और 2 को करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, काम खत्म। फिर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसका काम खत्म होगा, फिर ये रो आइए कॉलम। 1 को 1 से तो 1 हो जाएगा, 2 को माइनस 1 से तो माइनस 2 हो जाएगा, 3 को 2 से 3 दूनी 6 हो जाएगा, काम खत्म। फिर ये रो ये कॉलम, पहले वाले को पहले से 1 को करेंगे माइनस 2 से माइनस 2, 2 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 3 को माइनस 1 से माइनस 3 हो जाएगा, ये रो ये कॉलम फिर से। फिर 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 3 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर ये रो ये कॉलम, 2 को माइनस 2 से करेंगे माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो 0 जो भी टकराएगा 0 ही रहेगा, 4 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 4 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 4 में से 1 गया तो 3, 6 प्लस 1 तो 7, 7 में से 2 गया तो 5, 8 2 10, 10 में से 3 गया तो 7, फिर हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा दोस्तों, अभी देखिए माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर हो गया 47 तक दोस्तों बताए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जाएंगे, ठीक है ना, लेके दोस्तों। अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार से। आप अपना मेहनत करते रहिए, जारी रखिए मेहनत दोस्तों, मेहनत में कभी भी कमी नहीं आना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, मेहनत में कभी दोस्तों कमी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। जीतने के लिए मत पढ़िए दोस्तों, सीखने के लिए पढ़िए, समझे दोस्तों, जब सीख जाइएगा ना तो फिर अपने आप जीत जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।